इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा इसमें तगड़ा वाला दिया गया है। ये आपको इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ की है इसका, इस टाइप का आपको डिजिटल में देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में जैसे कि 2020 न्यू क्रेटा लॉन्चिंग होने वाली है तो उसका पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे और जानेंगे कैसी गाड़ी है 2020 क्रेटा न्यू, जो अभी जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में। इसके बारे में पूरा एक्सटीरियर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इंटीरियर दिखाऊंगा, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारे चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप फ्रंट का कुछ देख सकते हैं, इसमें न्यू क्रेटा का जो हेडलाइट है काफ़ी यूनिक देखने को आपको मिल जाएगा और ये LED में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी के बगल में आप जैसा कि देखते हैं इसका ग्रिल को, तो काफ़ी यूनिक टाइप का ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर, और उसी के जस्ट बगल में फॉग लैम्प देखने को मिल जा रहा है, देख सकते हैं इस टाइप का। साइड से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कैसी दिखती है गाड़ी। तो सबसे पहले आपका ध्यान जो जाएगा इसका अलॉय व्हील में, जैसे हुंडई का अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन रहता है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका भी जैसा अलॉय व्हील आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये गाड़ी में आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जो बैक साइड में भी आपको पीछे चक्के में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये गाड़ी में जैसे कि एक नया आपको ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, जो सिल्वर कलर का आपको देखने को मिल रहा है डुअल टोन में, जो कि फ्रंट तक जा रहे हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत, मतलब दूर से आप गाड़ी देखेंगे तो आपको आई कैचिंग आपको काफ़ी लगने वाली है ये गाड़ी। बैक साइड में अगर आप जाते हैं आपको LED में आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाएगी गाड़ी की, देख सकते हैं यहीं पर सेंसर आपको 4 देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड में भी आपको एयर इंटेक का कुछ दिया हुआ इस टाइप का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिल जा रहा है। और क्रेटा लिखा हुआ देखिए स्पेस दे के यहाँ पर, जैसा कि न्यू जनरेशन अब सारे गाड़ी में इसी टाइप का कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और ये टर्बो, जैसे कि टर्बो चार्ज इंजन है। एग्जॉस्ट की बात करें तो डुअल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। और ग्राउंड क्लियरेंस आई गेस 190 mm के आसपास होनी चाहिए इसकी। बैक साइड में आपको वाइपर देखने को मिल जा रहा है, उसी के ऊपर डिफॉगर है। और आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा इस टाइप का, पहले वाली क्रेटा से और भी ज़्यादा इसका लेंथ बढ़ गया है गाड़ी का, जो कि आपको कहीं ना कहीं कैमरा में भी लग ही रहा होगा कि पहले से बड़ी हो गई है गाड़ी और काफ़ी स्पोर्टी लुक लग रहा है। जैसे कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी देख सकते हैं, इसी में आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। एक्सटीरियर क्रेटा का कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। (1.4) टर्बो चार्ज इंजन है, ये पेट्रोल इंजन है, तो इस टाइप का आपको कुछ इंजन देखने को मिल जाएगा इसका। उसके बाद आपको इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा इसमें तगड़ा वाला दिया गया है, जिससे नॉइस अंदर ना आए, देख सकते हैं। और जैसा कि आइए आपको इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ की है इसका। तो चलिए अंदर चलते हैं गाड़ी में। तो जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का आपको डिजिटल में देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं। और डोर की साउंड क्वालिटी मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी सॉलिड आ रहा है, जिससे बिल्ड क्वालिटी का भी अपने को लग रहा है कि सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसकी। देखिए सॉफ्ट टच में देखने को मिल जाएगा यहाँ, जैसे काफ़ी अच्छा फील आ रहा है अंदर बैठ के इसमें। और AC वेंट में देखें तो यहाँ पर रेड कलर का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिल जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का। और ये कंप्लीट डिजिटल में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका स्मार्ट की देख सकते हैं। और यहाँ पर 10 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा इसमें, देख सकते हैं यहाँ पर। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है इस टाइप का, आपको पूरा देखिए डिजिटल में देखने को मिल जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा मैं आपको अगेन दिखाता हूँ देखिए। और डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी अच्छा आपको डैशबोर्ड का लुक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सब वूफर भी देखने को मिल जाएगा इसमें। और एक चीज़ जो आपको इसमें काफ़ी पसंद आएगा जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को इसका हैंड ब्रेक वगैरह दिखा देता हूँ। पार्किंग ब्रेक जो दिया रहता है हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, तो इसमें देख सकते हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक वेरियंट में ही देखने को मिल जाए, मैनुअल में आपको नहीं देखने को मिलेगा।
स्टेयरिंग की बात करें तो देख सकते हैं स्टेयरिंग सॉफ्ट टच में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएगा फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, जैसा कि यहाँ पर आपको हल्का सा दबा हुआ देखने को मिल जाता है, होता है पैर वगैरह यहाँ पर नहीं सटता है। और इसको देखने से कभी जैसे आपको आदत नहीं होगी तो ऐसा लगेगा जैसे टायर में हवा कम रहता है, तो जैसा दिखता है ना बिल्कुल वैसा ही टाइप का थोड़ा देखने को मिल जाएगा इसमें। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जा रहा है, और इसमें आपको आपका सीट वेंटिलेट सीट भी आपको देखने को मिल के ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर USB चार्जिंग वगैरह के लिए दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर ग्लो बॉक्स देखिए तो इसमें आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी में आपको देखिए पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा आपका देखिए बैक से लेकर फ्रंट तक का है। तो असली मज़ा जो सनरूफ का रहता है बिल्कुल यही रहता है, और जो कि छोटे साइज का सनरूफ रहता है जैसे इसका हाफ मान लेते हैं तो वो बस मज़े लेने के लिए है। सही मायने में कहा जाए तो सनरूफ का मज़ा इसमें आता है। देख सकते हैं बैक साइड का आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, सन ग्लास होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, LED में देखिए लाइट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, इस साइड आपको बिग साइज़ का वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल गाड़ी में हाफ रहता है, इसमें काफ़ी बिग साइज़ का आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जा रहा है। और ये आपका ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर भी है। तो चलिए एक बार मैं आपको बैक स्पेस दिखा देता हूँ। फ्यूल लीड यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। बैक साइड में आ गया हूँ गाड़ी के, तो इसमें बॉस का स्पीकर यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए सनसेट कर्टन भी देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि एक लग्जरी गाड़ी का एहसास आपको दिलाएगा ही। साथ में आपको बैक साइड में भी AC वेंट देखने को मिल, यहाँ पर USB चार्जर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ आपको स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है, और बैक से आपको Hyundai Creta कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाएगी। और जो कि आपका आई कैचिंग आपका इस गाड़ी में रहेगा, जो कि पैनारोमिक सनरूफ है, जो कि देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर लेग रूम की बात करें तो लेग रूम, जैसा कि ये गाड़ी काफ़ी लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है तो लेग रूम भी काफ़ी आपको देखिए इतना कुछ लेग रूम आपको देखने को मिल जा रहा है। 60-40 सीट आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स Hyundai Creta का जो फर्स्ट इंप्रेशन, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी, और इसका अपन प्रॉपर रिव्यू करेंगे, उसके बाद इसको टेस्ट ड्राइव वगैरह करके देखेंगे। हाँ, एक और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यही था फ्रेंड Hyundai Creta का एक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसको टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे, चला के देखेंगे, फिर इंजन परफॉर्मेंस कैसा है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी टाइप के ऑटोमोबाइल्स वाले वीडियो आपको इस चैनल में और भी देखने को मिलते रहेगा। सुरक्षित रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।